नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर दौड़ाएंगे 15 सेकंड में खबर पर। दिल्ली में नाबालिग लड़की के बेरहमी से हत्या का आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार। आरोपी ने 33 सेकंड में 20 बार कर की थी हत्या। तमाशबीन बने रहे लोग। कर्नाटक के तिरुमकुदलू नरसीपुरा में रफ्तार बनी काल, बस और कार की जोरदार टक्कर, दो बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट हुआ लॉन्च, सेना को मिलेगी दुश्मनों की स्थिति की सटीक जानकारी। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का बड़ा बयान, जुलाई 2023 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3, नेविगेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद की घोषणा। एमपी में कमलनाथ होंगे कांग्रेस का सीएम चेहरा, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में बनी सहमति, 150 से ज्यादा सीट जीतने का लिया गया संकल्प। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद राहुल गांधी का बड़ा दावा, एमपी में जीतेंगे 150 सीटें, कर्नाटक का नतीजा एमपी में करेंगे रिपीट। राहुल गांधी के दावे पर सीएम शिवराज का पलटवार, राहुल गांधी के दावे को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 200 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। एमपी में पांचवीं बार बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना। भोपाल में हुई एनटीसीए की बड़ी बैठक, चीतों के संरक्षण पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री चीतों के रखरखाव पर जता रहे संतोष, नवंबर तक गांधी सागर शिफ्टिंग होगी। एचयूटी मामले में बड़ा खुलासा, सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण का आरोप, ईंटखेड़ी पुलिस को लोगों ने की शिकायत। भोपाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक लूट की कोशिश करने वाले आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तारी। अनूपपुर में नशे में धुत युवकों ने महिला पर चढ़ाई कार, हादसे में महिला जख्मी, लोगों ने आरोपियों को दबोचा, पुलिस के किया हवाले। पन्ना के देवेंद्र नगर में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, भतीजे ने 2 चाचाओं को उतारा मौत के घाट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सतना में एक घर में लगी आग, गैस सिलेंडर में रिसाव से भड़की आग, एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। गौरव दिवस पर रोशन होगा भोपाल, 31 मई और 1 जून को दुल्हन की तरह सजेगी राजधानी, सरकारी इमारतों पर होगी लाइटिंग। रायपुर में शराबबंदी को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी का बयान, अगर क्राइम पर लगाना है लगाम तो करनी होगी शराबबंदी, जितने भी अपराध हो रहे उसमें शराब का बड़ा हाथ। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर फिर सियासत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सरकार पर निशाना, शराबबंदी के वादे से मुकर गई सरकार। रायपुर में बीजेपी का कार्यक्रम, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीडिया संवाद का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, देश अब अमृत काल की ओर बढ़ रहा। मिशन बस्तर पर बीजेपी, कोंडागांव पहुंचे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मंडल स्तरीय बैठक में हुए शामिल, चुनावी रणनीति पर किया मंथन। बिलासपुर में पीड़िता की मां को 9 दिनों के बाद मिली जमानत, 19 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उठे थे सवाल, रतनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निलंबित। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा पानी की बर्बादी का सिलसिला, कांकेर के बाद जशपुर में बहाया गया लाखों लीटर पानी, मछली के शिकार के लिए शरारती लोगों ने खोल दिया स्टॉप डैम का गेट। बिलासपुर में चोरी मामले में रोज हो रहा नया खुलासा, 20,000 की चोरी की शिकायत के बाद पुलिस को मिले अब तक 53 लाख रुपए, बहन ने कराई थी बहन के घर चोरी। सुकमा में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, पुलिस की रेकी करने आए 3 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक भी बरामद। दुर्ग में आज रात से करीब 17 घंटे का रहेगा मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइप लाइन का होगा काम, कल दोपहर 3 बजे तक यातायात रहेगा डायवर्ट।